क्राइम ब्रांच ने ओएलएक्स के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यह आरोपी सस्ते दामों में वस्तु बेचने का प्रलोभन देकर लोगों को ठग रहा था। आरोपी ने मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। दर्शन इंदौर क्राइम ब्रांच लगातार ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपियों पर निगाह बनाए हुए है। उसी दौरान क्राइम ब्रांच के हाथों ऐसा आरोपी लग गया जो इंस्टाग्राम ओएलएक्स के माध्यम से लगातार धोखाधड़ी कर रहा था। क्राइम ब्रांच इंदौर में धोखाधड़ी के कई ऐसे मामले दर्ज हैं, जिनकी तलाश क्राइम ब्रांच अभी भी कर रही है। उसी बीच एक इनामी बदमाश क्राइम ब्रांच के हाथ लग गया, जिस पर 10,000 का इनाम घोषित था। पकड़े गए आरोपी का नाम रोहन वर्मा है, जो इंदौर में रहकर वेबसाइट पर फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को अपना उत्पादन बेचने का ऐड डालता था। वह एडवांस राशि जमा करवा कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर रहा था। आरोपी पूर्व में भी दर्जनों अपराध कर चुका है। इंदौर क्राइम ब्रांच को वर्ष 2018 के एक अपराध में शातिर अपराधी को पकड़ने में सफलता मिली है, जिस पर 10,000 रुपए का रिवॉर्ड घोषित था। ये विगत वर्ष 2018 में एक अपराध 419, 420, 467, 468, 471, 120 BIPC और 66 IT एक्ट में दर्ज हुआ था। इसी प्रकार वर्ष 2019 में भी इन्हीं धाराओं से संबंधित एक अन्य अपराध कायम हुआ था, जिसमें ओएलएक्स, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि वेबसाइट के माध्यम से फर्जी विज्ञापन डाल करके कई लोगों से पैसे वसूले गए थे और उसमें मोबाइल बेचने प्रमुखता उसमें मोबाइल बेचने के नाम पर एडवर्टीजमेंट डाले गए थे और लोगों से पैसे धोखाधड़ी से प्राप्त कर लिए गए थे। इसमें आरोपी रोहन, पिता राकेश वर्मा, अतुल नगर थाना वर्जे क्षेत्र पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला है, जो फरार चल रहा था और इस पर 10,000 का इनाम घोषित था। इसको पुणे से इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें आरोपी ने इंदौर के फरियादी महीम गोयल के साथ इंस्टाग्राम पर मोबाइल फ़ोन सस्ते दामों पर बेचने का विज्ञापन दिया था और लोगों को झांसे में लेकर के खाते में रुपए जमा करवा लिए थे, लेकिन रोहन के द्वारा ना तो मोबाइल इसमें भेजा गया था और ना ही पैसे लौटाए गए थे। पूछताछ पर आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है और ठगी की जमा की गई राशि से संबंधित खाता भी आरोपी के ही नाम से है, जिसका ATM कार्ड उससे बरामद हुआ है। इसमें घटनाक्रम में लिप्त अन्य लोगों के नाम भी इस आरोपी ने कबूले हैं, जिसके संबंध में विवेचना जारी है। यह BBA फाइनल ईयर का विद्यार्थी और पुणे में रहकर पढ़ाई कर रहा है। कॉलेज में अपने शौकों को पूरा करने के लिए इसने इस तरीके से योजना बनाई थी, जिसमें विज्ञापन डालकर के लोगों को झांसे में लेकर के ठगी करता था। वर्ष 2016 से ये इस तरह के अपराध करता आ रहा है और ठगी से प्राप्त पैसों से ये पार्टी करना, महंगे होटलों में खाना इत्यादि और गैजेट्स और ऑनलाइन शॉपिंग इत्यादि करना इसने बताया है। ओएलएक्स और इंस्टाग्राम के माध्यम से जो इस तरीके से विज्ञापन करके पैसों की धोखाधड़ी की जो रिपोर्ट्स शिकायतें आ रही हैं, उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण सफलता है। फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे अन्य अपराधों पर भी और अन्य आरोपियों की भी पतारशी के लिए साइबर सेल की टीम्स के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।